राजधानी रायपुर में महतारी बंधन योजना पर कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए सवाल पर सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। दरअसल सांसद सुनील सोनी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 72 लाख बहनों के खाते में 3 किश्त चली गई है। कांग्रेस ही चिंता ना करे, जब तक भाजपा है तब तक महिलाओं के खातों में पैसा जाएगा। उन्होंने कहा कि माता बहनें सशक्त हों इसके लिए एक हिस्सा सरकार सहयोग के रूप में दे रही है। उड़ीसा में सभी सुभद्रा योजना हो रही है, एक विश्वास का वातावरण वहां भी बना हुआ है। बता दें कि नक्सल ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की तरफ की तारीफ की, जिस पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि उनकी मंशानुरूप छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। बता दें नक्सल ऑपरेशन पर कांग्रेस के दिए हुए बयान पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती है और जवानों पर सवाल खड़े करती है। 72 लाख बहनों के खाते में एक नहीं दो नहीं तीन किस्त चल दी है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो अब चुनाव संपन्न हो गया। चिंता मत करें कांग्रेसी लोग, जब तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारी बहनों के खाते में 1,000 रुपया जाएगा और ये पैसा जो सरकार भेज रही है उसके पीछे स्पष्ट मंशा है कि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों का ड्रेस खरीदने जूता खरीदने उसकी आवश्यकता का पूरा करके उन बच्चों को निराश न करे। इसलिए एक हिस्सा जो है सरकार सहयोग के रूप में दे रही है और हम अच्छी मानसिकता के साथ में उन बहनों को हम सहयोग कर रहे हैं। सुभद्रा योजना के तहत मैं कल रात के ही संबलपुर से आया हूं, वहां भी छत्तीसगढ़ के समान मध्य प्रदेश के समान लाडली बहना महतारी वंदन योजना वहां भी सुभद्रा योजना होगी और वहां उड़ीसा के लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं। जब दो राज्य के अंदर में बहनों की मांग पूरी हो रही है तो हमारे यहां भी होगा, तो एक विश्वास का वातावरण उड़ीसा के अंदर भी बना है। देखिए कांग्रेस के नीति में है, उनके एजेंडे में है, जब देश के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक होता है तो सबूत मांगते हैं, जवानों का उत्साह बढ़ाने की बजाय सबूत मांग रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये देशद्रोही का काम है।